हेलो फ्रेंड्स, गिल्ड मेंटोर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म से थोड़ा स्वागत है। 12 अप्रैल है तो आप रेडी हैं अपने करंट अफेयर सैशन के नाल। करंट अफेयर सैशन जो कि इंपोर्टेंट रहेगा डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स, पंजाब पटवारी, PPSC, PCS, SSC, CGL, CHSL और बैंकिंग एग्जाम। स्टार्ट करांगे सैशन। सब तो पहले सैशन में शेयर करना स्टार्ट कर दो, जिथे भी शेयर कर सकते हो, जिथे भी तुसी अपने फ्रेंड्स के नाल जुड़े हुए। 2 दिन तो आप सैशन नहीं ले पाए सी, एक्चुअली मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब है। वैसे तबीयत हूँ भी खराब है, लेकिन थोड़ा लॉस ना हो इस करके सैशन ले रहे हैं। सैशन दे विच जो न्यूज़ ने डिस्कस करांगे, सिंपली न्यूज़ डिस्कस करांगे MCQ फॉर्म दे विच, जिन्हां नूं पहले आप डिस्कस किया हुआ। रिवीजन आप नहीं करांगे, रिवीजन तुसी खुद करोगे PDF तो। हालांकि कंटेंट पूरे तरीके नाल अवेलेबल है, कंटेंट दे विच कोई कमी नहीं आएगी। पूरी दी पूरी रिवीजन करनी है, तुसी एग्जाम्स थोड़े लाइनअप ने प्रेपरेशन करनी है। ठीक है जी, आप स्टार्ट करांगे। सब तो पहले अज दी फर्स्ट न्यूज़ दे नाल, पहले स्टैटिक दे विच बुक्स देख लेने हैं। इस तो इलावा कंटेंट जो इंग्लिश दे विच है, पंजाबी दे विच भी सिमिलर कंटेंट अवेलेबल है, इतों भी तुसी स्टडी कर सकते हो। बुक्स दे विच बुक्स आप डिस्कस कीतियां हुई ने, दो दो बार डिस्कस कर लिया ने, इन्हां नूं रिवीजन करनी है। इस तो इलावा जिन्नी भी बुक्स आप डिस्कस कीतियां ने, उन्हां दे विचों एक ने क्वेश्चन एग्जाम्स दे विच पक्का मिलेगा देखने नूं, तो इन्हां दी रिवीजन बार बार करते रहनी। फर्स्ट क्वेश्चन वाल चलते हैं। विच डे इज़ ऑबजर्वड एज वर्ल्ड होम्योपैथी डे? वर्ल्ड होम्योपैथी डे किस दिन ऑबजर्व किया गया? तो वर्ल्ड होम्योपैथी डे 10 अप्रैल ऑबजर्व किया गया। 10 अप्रैल वर्ल्ड होम्योपैथी डे ऑबजर्व किया गया। यह ऑबजर्व किया जाता है एज बर्थ एनिवर्सरी ऑफ जर्मन फिजिशियन डॉक्टर डॉक्टर क्रिश्चियन फेडरिक सैम्यूल हैनेमन। थीम इंपॉर्टेंट रहेगी, थीम है होम्योपैथी रोड मैप फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन। होम्योपैथी रोड मैप फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन। इस तो इलावा 11 to 14 अप्रैल तक टीका उत्सव ऑब्जर्व किया जा रहा है। बेसिकली COVID-19 की वैक्सीनेशन लगाई जा रही है 11 to 14 अप्रैल। 9 अप्रैल 71st फाउंडेशन डे ऑब्जर्व किया गया इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशंस का। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशंस का 71st फाउंडेशन डे 9 अप्रैल हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली दे विच है। नेक्स्ट है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक एग्रीकल्चर इन इंडिया कंटेम्परेरी चैलेंजेस? एग्रीकल्चर इन इंडिया कंटेम्परेरी चैलेंजेस, इस बुक दे राइटर कौन ने? इस बुक दे ऑथर ने मोहन कांडा। थर्ड ऑप्शन, मोहन कांडा इस बुक दे ऑथर ने। ठीक है जी, जिन्हें भी ऑप्शनस ने, हालांकि ऑप्शनस दे विच बुक्स ने डिफरेंट डिफरेंट, ये आप डिस्कस नहीं करांगे। मैं पहले भी दस चुका कि तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो लेकिन इन ऑप्शंस दे विच जो बुक्स ने वो तुसी कमेंट बॉक्स से भी दसो। ठीक है, आप काफ़ी बार डिस्कस कीतियां ने, माधव भंडारी दी बुक है, शिवथन्नू पिल्ले दी बुक है, माधव भंडारी दी बुक फॉर एग्जांपल अयोध्या है। ठीक है, तो याद रखें। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलप्ड अ हैंड हेल्ड डिवाइस, एक हैंड हेल्ड डिवाइस फॉर अर्ली डायग्नोसिस ऑफ डेंगू? डेंगू दी अर्ली डायग्नोसिस दे लिए एक हैंड हेल्ड डिवाइस बनाया है इन कोलैबोरेशन विद ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया। बेसिकली मलेरिया का जो नेशनल इंस्टीट्यूट है ICMR का हिस्सा है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का। इस द्वारा किस दे नाल मिलके इस नूं बनाया गया? तो दिल्ली दे नाल मिलके, IIT दिल्ली दे नाल मिलके एक हैंड हेल्ड डिवाइस बनाया गया। ठीक है जी, किस दे लिए? अर्ली डायग्नोसिस ऑफ डेंगू। इस तो इलावा जो IIIT हैदराबाद है, इंडियन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा अनमैंड एरियल व्हीकल इलास्टिकॉप्टर बनाया गया। इलास्टिकॉप्टर किसने बनाया? अनमैंड एरियल व्हीकल IIIT हैदराबाद के स्टूडेंट सूरज बोनागिरी द्वारा। सूरज बोनागिरी।
नेक्स्ट है, फर्स्ट डेलीगेशन लेवल वर्चुअल पुलिस चीफ डायलॉग बिटवीन पुलिस चीफ ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका, इंडिया और श्रीलंका दी विचकार एक समिट ऑर्गेनाइज किया गया, एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई पुलिस चीफ की। पहला एडिशन सीगा इंपोर्टेंट बनया, तो फर्स्ट एडिशन पार्टिसिपेट किसने किया इंडिया वालों, तो इंडिया वालों अरविंद कुमार ने इस दे विच पार्टिसिपेट किया। अरविंद कुमार कौन ने, आईबी दे चीफ ने, इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, इन्फॉर्मेशन ब्यूरो दे चीफ अरविंद कुमार ने इस दे विच पार्टिसिपेट किया। न्यू दिल्ली दे विच आईबी दा हेडक्वार्टर 1887 दे विच यह बनाई गई थी। ठीक है, अमित शाह होम मिनिस्टर ने, नित्यानंद राय मिनिस्टर ऑफ स्टेट ने होम अफेयर्स दे, राकेश अस्थाना की अगर आप गल करते हैं बीएसएफ दे विच हेड ने सुबोध कुमार जायसवाल, सीआईएसएफ दे हेड ने रिसेंटली अपॉइंट किए गए सी। इस तो अलावा सीआरपीएफ दे हेड हो गए, ठीक है, या एनडीआरएफ हो गया, ठीक है, या जिन्नी भी रिस्पोंस फोर्सिस ने इहनां दे हेड इंपोर्टेंट बन गए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज़ अप्रूव्ड USD 484 मिलियन लोन, 484 मिलियन का लोन प्रोवाइड करेगा केड़ा बैंक चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कोरीडोर तमिलनाडु के लिए, चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कोरीडोर तमिलनाडु के लिए ADB द्वारा लोन प्रोवाइड किया गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा लोन प्रोवाइड किया गया। ठीक है जी, याद रखेंगे, हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस दे विच है। इस तो इलावा अगर आप डिस्कस करना हो मासासू आसाकावा हेड ने रिसेंटली बनाए गए सी। ठीक है, इफेक्ट ने जो कि इंपोर्टेंट बनेंगे। ठीक है, इस तो इलावा 68 मैंबर कंट्रीज ने, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉमीनेटिड फॉर ICC मैनस प्लेयर ऑफ द मंथ मार्च दे लिए, मार्च दे लिए, बेसिकली हर साल ICC ने जनवरी तो शुरुआत की है प्लेयर ऑफ द मंथ देन दी, कि हर मंथ किसी ना किसी नू प्लेयर ऑफ द मंथ मैनस कैटेगरी और फीमेल कैटेगरी दे विच दिता जाएगा। ठीक है, जो मैनस कैटेगरी दे विच जनवरी दे विच और फरवरी दे विच दोनों दे विच इंडियन पर्सन नू दिता गया इंपोर्टेंट बनेगा। ठीक है, ऋषभ पंत नू दिता गया सीगा, ठीक है, आप डिस्कस किया सी। उस तो बाद आर अश्विन नू दिता गया फरवरी दे लई, हुण मार्च दे लई नॉमीनेशनस अनाउंस किए जा चुके ने, अज मंडे है, अज फाइनल डिकलेरेशन भी अज हो जाएगी, आप कल की क्लास दे विच डिस्कस कर लांगे। तो किन्हां नू यह अवार्ड दिता नॉमीनेट किया गया, तो तीनों ऑप्शनस अपने लिए इंपोर्टेंट बनेंगे। राशिद खान अफगानिस्तान दे प्लेयर ने, भुवनेश्वर कुमार इंडियन प्लेयर ने, और सीन विलियम्स जिम्बावे दे प्लेयर ने। ठीक है, तिन्हां नू नॉमीनेट किया गया मैनस कैटेगरी दे विच। सिमिलरली वूमेन कैटेगरी दे विच दो इंडियन वूमेन्स नू इस बार नॉमीनेट किया गया, राजेश्वरी गायकवाड़, पूनम रौत, राजेश्वरी गायकवाड़ नू और पूनम रौत नू इंडिया दे विचों नॉमीनेट किया गया, और लीजले ली साउथ अफ्रीका तो बिलोंग करते ने, इन्हां नू भी नॉमीनेट किया गया। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया दे नवे चेयरमैन कौन अपॉइंट किए गए, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया दे नवे चेयरमैन अपॉइंट किए गए ने संजीव कुमार। रिसेंटली अरविंद कुमार का टेनवर खत्म होया सी, अरविंद कुमार तो बाद किसी होर नू कुछ टाइम तक दे लिए अपॉइंट किया गया सीगा, हुण संजीव कुमार नू फुल फ्लैज अपॉइंट किया गया एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का चेयरमैन। ठीक है, बाकी ऑप्शनस चारों ऑप्शनस न्यूज़ दे विच ने, इंपोर्टेंट न्यूज़ ने, डिस्कस कर लैने। चंद्र नायडू इंडियाज़ फर्स्ट फीमेल क्रिकेटर कमेंटेटर, इंडिया दे पहले फीमेल क्रिकेट कमेंटेटर, इन्हों की रीसेंटली डेथ हो गई है। यह इंडिया दे पहले टेस्ट कैप्टन CK नायडू दे बेटी सी। ठीक है जी, इंपोर्टेंट नाम है, इंपोर्टेंट ओबीचुरी, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस तो अलावा आशुतोष भारद्वाज नू देवी शंकर अवस्थी अवार्ड दिता गया,
देवी शंकर अवस्थी अवार्ड किस कैटेगरी दे विच दिता जाता है, किस फील्ड दे विच दिता जाता है? तो लिटरेचर दे फील्ड दे विच या रखांगी। और किन्हां नूं दिता गया? आशुतोष भारद्वाज नूं दिता गया। किस दे लई दिता गया? पितृवध, इन्हां दे नॉवल पितृवध दे लई। ठीक है जी। दूती चंद, दूती चंद कौन ने? इंडियन एथलीट ने, इंडियन एथलीट दूती चंद। केड़ी स्टेट तो बिलोंग करते हैं? उड़ीसा तो बिलोंग करते हैं। इन्हों छत्तीसगढ़ वीरनी अवार्ड दिता गया, बिलोंग उड़ीसा तो करते हैं लेकिन छत्तीसगढ़ वीरनी अवार्ड किन्हां नूं दिता जाएगा? दूती चंद नूं दिता जाएगा। ये 14 अप्रैल नूं दिता जाएगा। 14 अप्रैल नूं की है? 14 अप्रैल नूं याद रखांगे, आपां डिस्कस पहले कर चुके हैं कि होलीडे अनाउंस की गई सी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा भीम राव अंबेडकर दी बर्थ एनिवर्सरी आ रही है। ठीक है, याद रखांगे 14 अप्रैल। इस तों इलावा दिव्या दत्ता, दिव्या दत्ता इंडियन एक्ट्रेस ने, इन्हां द्वारा बुक लिखी गई है मी एंड माँ, मी एंड माँ। हालांकि बुक पहले लिखी गई है, दोबारा न्यूज़ दे विच है। आई थिंक इसका ऑडियो वर्जन रिलीज़ किया गया, इस करके न्यूज़ दे विच दोबारा आई है। सिंपली याद रखेंगे मी एंड माँ बुक दे राइटर दिव्या दत्ता। ठीक है जी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अनाउंसड इट्स न्यू सेविंग अकाउंट रिवॉर्ड्स 1, 2, 3, रिवॉर्ड्स 1, 2, 3 डेट ऑफर बेनिफिट्स टू इट्स कस्टमर्स। रिवॉर्ड्स 1, 2, 3 नाम का एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, सेविंग अकाउंट स्कीम लॉन्च की है कह सकते हैं। किहड़े बैंक द्वारा? एयरटेल पेमेंट बैंक द्वारा। इंडिया का जो पहला पेमेंट बैंक है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कई एग्जाम्स दे विच, इंडिया का फर्स्ट पेमेंट बैंक किहड़ा है? तो एयरटेल पेमेंट बैंक है। ठीक है, याद रखेंगे। इसी द्वारा रिवॉर्ड्स 1, 2, 3 इनिशिएटिव की शुरुआत की गई। ठीक है, ताकि डिजिटल ट्रांजैक्शंस नूं प्रमोट किया जा सके। ठीक है जी। इस तों इलावा अगर आप गल करते हैं, इन्हां दे हैडक्वार्टर इंपोर्टेंट बनेंगे। हैडक्वार्टर फॉर एग्जाम्पल पेटीएम पेमेंट बैंक का हैडक्वार्टर नोएडा दे विच है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का हैडक्वार्टर न्यू दिल्ली दे विच है। एयरटेल पेमेंट बैंक का हैडक्वार्टर न्यू दिल्ली दे विच है। जियो, जियो पेमेंट बैंक की अगर आप गल करते हैं, इसका हैडक्वार्टर मुंबई दे विच है। ठीक है जी। नेक्स्ट है, हु हैज़ लॉन्च नैनो स्नीफर, नैनो स्नीफर द वर्ल्ड फर्स्ट माइक्रो सेंसर बेस्ड एक्सप्लोजिव ट्रेड डिटेक्टर। इंपोर्टेंट बनेगा कि एक्सप्लोजिव होंगे ने जे जड़े उन्होंने डिटेक्ट करने के लिए नैनो स्नीफर, नैनो स्नीफर वर्ल्ड का पहला माइक्रो सेंसर बनाया गया, वर्ल्ड का पहला माइक्रो सेंसर। IIT बॉम्बे का एक स्टार्टअप है, IIT बॉम्बे का ही पार्ट है, यानी कि नैनो स्निफ टेक्नोलॉजी। इन्होंने अपने नाम के उत्ते ही नैनो स्निफर इसका नाम रखे है। ये किसने लॉन्च किया है? लॉन्च किसने किया है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो याद रखेंगे इसनों लॉन्च किया गया रमेश पोखरियाल निशंक, एजुकेशन मिनिस्टर ने इसनों लॉन्च किया है। ठीक है, वैसे की हुंदा है कि यह जी चीज़ा सिमिलर डिपार्टमेंट जो जिस मिनिस्ट्री लवे हुंदा वह लॉन्च करते हैं, पर यह थोड़ा डिफरेंट है, इस करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। याद रखेंगे डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि एजुकेशन मिनिस्टर ने, हरिद्वार उत्तराखंड तो लोकसभा MP भी ने, इन्हों द्वारा इसनों लॉन्च किया गया। ठीक है, इस अलावा दो दिन क्लास ना होने कारण डिफरेंट डिफरेंट न्यूज़ काफ़ी ने अपने लिए डिस्कस कर लें। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन 103rd मीटिंग दे विच पार्टिसिपेट किया, इन्होंने वर्ल्ड बैंक की डेवलपमेंट कमेटी की मीटिंग है पार्टीसीपेट किया। इसी दे नाल इंटरनेशनल मोनिटरी फंड IMF की मीटिंग दे विच भी इन्हों द्वारा ही पार्टीसीपेट किया गया, अलोंग विद RBI गवर्नर शक्तिकांत दास। ठीक है जी, याद रखांगे निर्मला सीतारमन लवे फाइनेंस और कॉरपोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री है। राज्यसभा MP ने कर्नाटका तो पीयूष गोयल, रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल द्वारा गोडा तो लेके नवी दिल्ली हम सफ़र स्पेशल ट्रेन की शुरुआत की गई। गोडा पूछा जा सकता है कितने है? गोडा है झारखंड दे विच। ठीक है जी, ये डायरेक्टली गोडा डिस्ट्रिक्ट इज इन न्यूज़,
इट इज़ रिलेटेड टू विच स्टेट, तो यह झारखंड दे विच है। पीयूष गोयल रेलवे मिनिस्टर ने या रखांगे राज्यसभा एमपी ने महाराष्ट्र नूं। अर्जुन मुंडा ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर ने डॉक्टर हर्षवर्धन हेल्थ मिनिस्टर ने जॉइंटली अनामाया की शुरुआत की है। अनामाया की है एक ट्राइबल हेल्थ कोलैबोरेटिव है जो कि पीरामल फाउंडेशन और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की हेल्प के नाल शुरुआत की गई, ठीक है जी, जिसकी शुरुआत पीरामल फाउंडेशन और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के नाल मिलकर की गई है। रमेश पोखरियाल निशांक द्वारा ही सार्थक नाम का इनिशिएटिव लॉन्च किया गया। सार्थक इस दे अंडर जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है इसनों इंप्लीमेंट किया जाएगा, ठीक है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की इंप्लीमेंटेशन नूं फास्ट करन दे लई सार्थक नाम का इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। याद रखांगे किन्हां द्वारा? एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक। नेक्स्ट है ओसमान साले मोहम्मद इंडिया की विजिट पर सके, इंडिया की विजिट पर आए थे, कि कंट्री के फॉरन मिनिस्टर से? तो ओसमान साले मोहम्मद एरिटीरिया एक कंट्री है जिसकी जिथों इंडिया की विजिट पर आए थे फॉरन मिनिस्टर, ठीक है जी। सिंपली याद रखांगे ओसमान साले मोहम्मद, इस तरीके के लीडर्स का नाम इंपोर्टेंट बनता है। अगर वो इंडिया की विजिट पर आए हैं या इंडियन मिनिस्टर किसी कंट्री की विजिट पर गए हैं तो उत्थे जाके किसी स्पेसिफिक परसन नूं मिले ने, ठीक है। तो फॉरन मिनिस्टर ओसमान साले मोहम्मद एरिटीरिया। पांच डिफरेंट कंट्रीज़ ने पंजा दी कैपिटल करंसी इंपोर्टेंट बनेगी, कमेंट बॉक्स के तुसी दसनी है, ठीक है। इस तो अलावा डिफरेंट विजिट्स हुई ने इस वीक दे विच, डिफेंस मिनिस्टर कजाकिस्तान दे डिफेंस मिनिस्टर लेफ्टिनेंट जनरल नूरलान यर्मेबेकोव, यह भी इंडिया की विजिट पर सके, बेसिकली जयपुर जोधपुर वर्गी प्लेसिस की विजिट पर सके। प्लस इन्होंने डिफेंस मिनिस्टर्स के नाल मिलकर मीटिंग की, इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के नाल, ठीक है जी। इंडिया के आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवाने ने रिसेंटली अपॉइंट किए गए थे बांग्लादेश की विजिट पर, ठीक है। बेसिकली आप डिस्कस भी किया सैलीब्रेशनस हो रही ने, 50 साल की सैलीब्रेशनस हो रही ने जो इंडिपेंडेंस दियाँ, उस डिफरेंट ईवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं जिस दे विच पार्टीसीपेट कर रहे हैं MM नरवाने, ठीक है। नेक्स्ट आप एक ईवेंट डिस्कस किया क्लाइमेट दे लई लीडर समिट, USA द्वारा अनाउंस किया गया सी क्लाइमेट दे लई लीडर समिट कि उस दे विच डिफरेंट कंट्रीज़ नू इनविटेशन दिता जाएगा और अर्थ डे वाले दिन यानी कि 22-23 अप्रैल नू यह ऑर्गेनाइज किया जाएगा, ठीक है। डिस्कस किया हुआ आपने हूँ इस दे विच इंडिया वालों प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नू इनवाइट किया गया और इनविटेशन असैप्ट किया गया, ठीक है। तो इंपोर्टेंट बनेगा USA दे स्पैशल प्रेजिडेंशियल एनवॉय ऑन क्लाइमेट जॉन कैरी ने इंडिया की विजिट की, न्यू दिल्ली विजिट की और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नू इनविटेशन दिता, ठीक है। पार्टीसीपेट करेंगे 22-23 अप्रैल, ठीक है। अर्थ डे आएगा, अर्थ डे वाले दिन अर्थ डे के बारे भी अपना डिस्कस करेंगे। इस तो अलावा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ही एक वर्चुअल समिट ऑर्गेनाइज किया नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर मार्क रूटे के नाल, नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर मार्क रूटे। ब्रिटेन के जो प्रिंस ने फिलिप क्वीन एलिजाबैथ टू के हसबेंड, इन्हों की रिसेंटली डैथ हो गई है। काफ़ी फेमस परसनैलिटी सी ब्रिटेन की हिस्टरी के, तकरीबन 99 ईयर्स के सके, 100 ईयर्स इस साल पूरे होने से इन्हों जून के, इन्हों तो पहले ही इन्हों डैथ हो गई। इंडियन नेवल शिप सर्वेक्षक एक इंडियन नेवल शिप है, यह चेतक हैलीकॉप्टर्स के नाल मिलके मोरेशियस की विजिट पर है किस दे लई फॉर अंडरटेकिंग हाइड्रोग्राफिक सर्विस कंडक्ट किया जा रहा है मोरेशियस के। इंडियन नेवल शिप
सर्वेक्षक की हेल्प देना, ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंडिया हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड एन एडिशनल 5 लाख यूएस डॉलर्स टू यूनाइटेड नेशंस ट्रस्ट फंड। एडिशनल 5 लाख डॉलर्स की कितने डोनेट किए ने यूएन का जो ट्रस्ट फंड है काउंटर टैररिज्म के लिए, इंडिया ने किन्ने डोनेट किए ने, याद रखांगे अमाउंट इंपोर्टेंट बनेगी, एडिशनल 5 लाख यूएस डॉलर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिलीज फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स किन्ना द्वारा जारी किया गया, ठीक है, सिंपली बेसिकली की होंगे कि कुछ इंडेक्सिस इस तरीके नाल इंपोर्टेंट बनते हैं कि किसने टॉप किया, ठीक है, कुछ इंडेक्सिस सिंपली इंपोर्टेंट बनते हैं कि किन्ना द्वारा जारी किया गया, ठीक है, उस तरीके के क्वेश्चन है। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स RBI जारी करता है, हर साल जारी करता है, लास्ट ईयर इसको COVID-19 कारण जारी नहीं किया गया, ठीक है, जुलाई के बेसिकली हर साल जारी किया जाता है, लास्ट ईयर COVID-19 के कारण इसको जारी नहीं किया गया और इस साल इसको जारी किया जा रहा है, ठीक है जी, याद रखेंगे। RBI रिसेंटली 1 अप्रैल 1935 इसको बनाया गया सी, रिसेंटली 1 अप्रैल इसने अपना फाउंडेशन डे ऑब्जर्व किया, ठीक है, इस तो बाद इसके जो चौथे डिप्टी गवर्नर से उन्हां दी टेन्यूअर खत्म होया, उन्होंने रिटायरमेंट लेती है, ये याद रखेंगे, यानी कि एक पोस्ट डिप्टी गवर्नर दी खाली चल रही है, ठीक है। बाकी तीनों ऑप्शंस दे विच एक क्वेश्चन आंसर देना है NV, चलो क्वेश्चन किसी होर दिन पूछांगे। नेक्स्ट क्वेश्चन वाल चलते हैं, विच सिटी हैज इशूड इंडियाज फर्स्ट म्यूनिसिपल ग्रीन बोंड। केड़ी सिटी ने इंडिया दे पहले म्यूनिसिपल ग्रीन बोंड नू इशू किया है, तो आंसर आएगा गाजियाबाद। इंडिया दे विच पहली बार गाजियाबाद ने ग्रीन बोंड्स नू इशू किया है, ठीक है, याद रखांगे। म्यूनिसिपल बोंड रिसेंटली आप डिस्कस किया लखनऊ के, याद होएगा आई थिंक 2 महीने पहले डिस्कस किया, म्यूनिसिपल बोंड्स इशू किए गए थे लखनऊ द्वारा, ठीक है। और गाजियाबाद ऐसी सिटी बन चुकी है जिसने पहले फर्स्ट म्यूनिसिपल ग्रीन बोंड्स जारी किए थे, ठीक है। इस तो अलावा डिफरेंट सिटीज़ UP की ही जिन्होंने अनाउंस किया है कि वह ग्रीन बोंड्स इशू करेंगे, जो किए जाएंगे उन्होंने बारे डिस्कस कर लेंगे। सिंपली याद रखेंगे पहली सिटी कौन बनी है, गाजियाबाद। इस तो अलावा कुछ ऑप्शंस डिस्कस कर दिए हैं, तो गाजियाबाद बारे आप डिस्कस कर ले। दिल्ली एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया द्वारा लैब ऑन व्हील्स प्रोग्राम, न्यूज़ थोड़ी पुरानी हो गई है, लैब ऑन व्हील्स प्रोग्राम की शुरुआत की है। ले हिल काउंसिल इंपोर्टेंट बनेगी, ले हिल काउंसिल ने सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नाल मिलकर एग्रीमेंट साइन किया है। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया दिल्ली के हेडक्वार्टर है, 2011 के बनाई गई सी, एग्रीमेंट बनाया किया गया 50 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए तारू के, कितने तारू। इस तो अलावा यह भी कहा गया कि टोटल 200 मेगावाट तक लेके आने ले नू अगले 5 सालों के, ठीक है, इंपोर्टेंट बनेगा। और ले नू कार्बन न्यूट्रल बनाना है। बिहार स्टेट द्वारा 50 किलोमीटर तक फ्री ट्रैवल अनाउंस किया गया दिव्यांग परसनस नू। इस तरीके नाल पंजाब दे विच वूमेन्स नू फ्री ट्रैवल अनाउंस किया गया है, उसी तरीके नाल बिहार स्टेट दे विच दिव्यांग परसन नू 50 किलोमीटर तक फ्री ट्रैवल अनाउंस किया गया, उस तो अगे दे ट्रैवल दे लई भी उन्हां नू घट रेट्स दिते जाणगे, उन्हां तो अलग गल है। सिंपली याद रखांगे कि दिव्यांग नू 50 किलोमीटर तक फ्री ट्रैवल करवाण वाली स्टेट केड़ी है, बिहार। अज दे लई बस इन्ना ही, आई होप सानू सैशन पसंद आया होगा। वैसे माफ़ी चाहेंगे कि 2 दिन हो गए लैक्चर नहीं ले पाए, और हूँ भी लैक्चर के प्रॉपर तरीके नाल कंटेंट नहीं है, तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब है, कोशिश करांगे कल की क्लास के थोड़ा और बेहतर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन, गुड बाय।